पता था, अब कब चले जाओगे ये भी नहीं पता। इसलिए अगर सजाना है, जीवन में सजना है, तो स्वयं अपने मन को सजाओ, अपने विचारों को सजाओ, अपने व्यवहार को सजाओ, सुंदर बनाओ। क्योंकि मन अगर सज गया, संवर गया, तो जीवन संवर जाएगा। मन यदि बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ जाएगा। मन की सुंदरता के आगे तन की सुंदरता कुछ भी नहीं। मानव का मन यदि सुंदर है तो इसकी जरूरत कुछ भी नहीं। मन सुंदर होना चाहिए। तन तो बड़ा सुंदर है, पर यदि मन सुंदर नहीं है तो लोग आपसे दूरी बनाकर चलेंगे। अच्छा, देखने में कोई बहुत काला कलूटा हो लेकिन मीठी वाणी बोलता हो, अच्छा व्यवहार करता हो, तो लोग उससे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, उसके पास जाना चाहेंगे। कोई बहुत गोरा न्यारा हो लेकिन बात बात में कटु वचन बोलता हो तो कौन उससे मिलना चाहेगा। इसलिए मन का सुंदर होना जरूरी है। मन को सुधारने के लिए ही भागवत की कथा श्रवण की जाती है। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंधन मोक्षयोः। मन बंधन और मोक्ष का कारण हमारा मन होता है। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित मंदिरे चला चले संसारे धर्म एको ही निश्चला चला चली का खेला है। जितना भी खेला है सब चला चली का है। माँ तो चुप हो गई, पत्नी भी चुप हो गई, अब सोचने लगा कि हम बदला लेंगे। बदला लेने के लिए हमें अमृत प्राप्त करना होगा। अजरता अमरता को प्राप्त करने के लिए पर्वत की गुफाओं में पहुंच करके ब्रह्मा की आराधना करने लगा। ओम ब्रह्मरे नमः। ब्रह्मा की आराधना करते करते बहुत दिन बीत गए। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित, ब्रह्मा प्रकट हो गए हिरण्यकश्यप के सामने। बोले, उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो विकाश्यप वरदोऽहम् अनुप्राप्तो प्रियताम् ईप्सितो वरः। हे काश्यप नंदन, उठो, वरदोऽहम्, मैं वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो, मन की इच्छा को पूर्ण कर लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, हमारी मृत्यु न हो, मैं यही वरदान चाहता हूँ। ब्रह्मा ने मन ही मन कहा, मृत्यु तो हमारी निश्चित है, हम तुम्हें वरदान कैसे दे सकते हैं। मरना तो निश्चित है, ये वरदान मेरे बस की बात नहीं है। तो कहा, और जो मांगना हो मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी मृत्यु रात में न हो, दिन में न हो, सुबह न हो, शाम को न हो, दोपहर में न हो, मेरी मृत्यु अस्त्र से न हो, शस्त्र से न हो, जल में न हो, फल में न हो, नर से न हो, सिंह से न हो, हमारी मृत्यु न हो। अब ब्रह्मा की बुद्धि चला गई। ब्रह्मा ने भगवान का ध्यान किया। भगवान ने कहा, दे दो इसे वरदान, दे दो, ये अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है, पर हमारे सामने इसकी बुद्धि नहीं चलेगी। अब तो हिरण्यकश्यप वरदान को प्राप्त करके अपने आप को अजर अमर मान करके, श्रेष्ठ मान करके, तरह तरह का अत्याचार अनाचार पापाचार में लिप्त हो गया, क्योंकि अमृत का वरदान उसे मिल गया ना। समय जाने पर यहीं के घर में हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। क्या नाम है? कयाधु। कयाधु कि गर्भ में जब बालक पल रहा था, उसी क्षण कयाधु का हरण कर लिया था देवराज इंद्र
और मार देना चाहता था। देवर्षि नारद ने बचाया। देवर्षि नारद ने कहा इसे मत मारो, क्योंकि इसके गर्भ में अब जो बालक पल रहा है वो भगवान का परम भक्त होगा। इसीलिए नारद के उपजा में दयालु रहा करती थी और सत्संग को सुना करती थी, तो गर्भ में जो बालक था वो भी उस सत्संग को श्रवण किया करता था। इसलिए जब उसका जन्म हुआ, जन्म होते ही परम धार्मिक हुआ। हिरण्यकश्यप के चार पुत्र हुए। प्रथम पुत्र का नाम था शंगलाद, दूसरे पुत्र का नाम था प्रागमोहलाद, तीसरे पुत्र का नाम था हलाद और चौथे पुत्र का नाम था प्रहलाद। चार पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था संघिका, जिससे राहु का जन्म हुआ था। प्रहलाद सबसे छोटे थे। पढ़ने के लिए इनको भेजा गया संत अर्मत के पास। अब इनको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, अधार्मिक शिक्षा दी जाती। प्रहलाद सुनते तो थे पर सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे। कोई कुछ कह दे, जैसे आप लोग सुनते तो हो पर मानते नहीं हो, मैं कहता हूँ ताली बजाओ। लेकिन सोचते हो महाराज जी के कथा में ये भी शामिल है, तो बीच बीच में जोर से बोलो। लेकिन आपको लगता है ये भी महाराज जी कथा ही बोल रहे हैं। इनका तो काम है बोलते रहना, और सच बात है 20 वर्षों से बोल रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। सुनने वाले तो बहुत मिले पर समझने वाले बहुत कम मिले। उतना ही सुनो जितना समझ में आए, ज्यादा ना सुनो, क्योंकि जितना समझ में आए वही उतना आपके काम का है। इसलिए 4 घंटा की कथा में अगर 4